सभी दोस्तों को नमस्ते। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है कि 3 अप्रैल पोषण पखवाड़ा का अंतिम दिन है। इसके दिन हमें आज के दिन कौन कौन सी गतिविधि करनी है और किस प्रकार की गतिविधि करनी है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग पहली जानकारी देख लीजिए कि किस प्रकार से ये जो है कि भास्कर न्यूज बगहा अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले का न्यूज है, जिसमें कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें समुचित पोषण दिया जाना है। सबसे जरूरी है बच्चे पोषित हो। यह कल मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें इसकी पूरी वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसमें कि CDPO मैम, DPO मैम, SDM मैम द्वारा ने बारी बारी अपने माध्यम से लोगों को मोटे अनाज के खान पान के बारे में जागरूक करने का पूरा प्रयास किया है, जिसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को विजिट करिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो देख रही हैं ये इस प्रकार से सभी सेविकाएं पोषण के लिए यानी कि पोषण पखवाड़ा अंतर्गत सभी मोटे अनाजों की जानकारी दे रही हैं सभी लाभार्थियों के बीच, इसमें गर्भवती, प्रसूति, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की माताएं, अभिभावक भी शामिल थे, जिसके माध्यम से सेविका सहायिकाओं का पूरा जोर रहा, पूरा प्रयास रहा कि मोटे अनाज के खान पान के बारे में हम लोगों को समझा सके और उसकी पूरी जानकारी दे सके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं कि आज हमें कौन सी गतिविधि करनी है। देख लीजिए आप लोग की 3 अप्रैल 2023 जीविका समूह के साथ बैठक, यानी कि यह जो भी बैठक होगी आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे होगी। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ इसकी नियमावली। देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर जीविका दीदियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल एवं उनका पोषण, नवजात शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण, ऊपरी आहार में जीवन के प्रथम 1000 दिन, पोषण के 5 सूत्र, गर्भवती धात्री एवं बच्चों के लिए श्री अन्न मिलेट की उपयोगिता, योग एवं आयुष का महत्व इत्यादि विषयों पर चर्चा करना, तथा जीविका दीदियों को समुदाय के बीच पोषण एवं स्वास्थ्य संदेशों को प्रचारित करने तथा जागरूकता फैलाने हेतु प्रेरित करना। और यह किस स्तर पे होगा आप लोग देख लीजिए, ये जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे होगा। इसे जो है कि आप लोग क्या करिएगा, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बैठक करके, जिसमें कि जीविका दीदियों को आप लोग 1-2 दिन पहले ही आमंत्रित कर चुकी होंगी, और नहीं किया है तो आज ज़रूर फ़ोन कर लीजिए। अगर आसपास में है तो उन्हें इस बैठक में आने के लिए प्रेरित करिए और उन्हें कहिए कि आज आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदियों का एक साथ बैठक है, और इसमें अपने आसपास के 1-2 गांव से भी, जैसे कि जीविका दीदी अगल बगल के गांव की भी हो सकती हैं, अगर वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर व्यवस्था है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप लोग अगल बगल से भी 1-2 गर्भवती या 0 से 6 माह के बच्चों की माताओं को भी आप लोग आमंत्रित कर सकती हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी वीडियो भी डाल के दिखाऊंगी कि मैंने किस प्रकार से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इसकी पूरी परिचर्चा की, इस पर विस्तृत जानकारी दी और किस प्रकार से यह बैठक किया, ताकि आगे आने वाले भविष्य में या आगे आपको जो भी बैठक करना हो उसमें कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो कि किस प्रकार से बैठक किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी मेरे आने वाले वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। सभी दोस्तों को नमस्ते।